गैस, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी काफी ज्यादा अच्छे हो गए। गैस मैं भी काफी ज्यादा अच्छा हूँ। अब बस 7 दिन बचा है और इस 7 दिन में इंग्लिश को कंप्लीट करना है। वैसे तो इंग्लिश का मैंने थोड़ा बहुत लेटर का समरी वमरी अपने हाफ ईयरली के एग्जाम के टाइम पे देखा था, पर जो एनसीईआरटी है उसको मैंने छुआ तक नहीं है। पर हाँ, मुझे अपने आप पे यकीन है कि मैं कर लूंगा, क्योंकि एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना काफी ज्यादा जरूरी है। अभी मैं सबसे पहले पैसेज रिविजन करने जा रहा हूँ। वैसे तो पैसेज मेरे को आसान लगता है, पर जैसे कि बहुत सारे लोग बोले हैं कि इस बार का पैसेज थोड़ा हार्ड आने वाला है, पर मैंने सैंपल पेपर से 2 पैसेज किए थे, दो नहीं 3 पैसेज किए थे। एक तो सैंपल पेपर 2 का 2 पैसेज एक ही सेट में रहता है, और एक एडुकार्ड में एक और एक्स्ट्रा सैंपल पेपर था तो उसका मैंने पैसेज किया था, और वो सब मेरे को एक एवरेज लगा, मेरा बन गया था आसानी से। एक दो क्वेश्चन मिस्टेक हुआ था तो वो तो चलता है, वैसे उसको भी खत्म करना है, वो प्रैक्टिस के साथ मेरा खत्म हो जाएगा। एंड अभी एक सैंपल पेपर का मतलब कि एक सेट का 2 पैसेज रहता है, तो उस 2 पैसेज को एक और बार प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स गो। किनारे पे पेड़ की छाँव में बैठ जाऊं साफ़र कभी, इतना क्यों है भागता क्या तू। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं लिटरेचर का वाला अभी कर रहा था, तो सेक्शन ए का रीडिंग स्किल है। और मैं क्या करता हूँ ना, इसमें जो भी जब भी मैं पढ़ते रहता हूँ तो कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन मुझे लगता है तो मैं इसमें नोट कर लेता हूँ। नोट करने से क्या होता है, क्वेश्चंस बनाने जाता हूँ तो वो वाला अगर लाइन मेरे को हाईलाइट दिख जाता है तो बहुत ईजी रहता है मेरे लिए। तो मैं ये वाला रूल फॉलो करता हूँ, आप अगर चाहो तो इसको कर सकते हो, अगर नहीं चाहो तो नहीं कर सकते। आपके लिए कुछ और सूटेबल हो तो आप वो फॉलो कर सकते हो। वैसे मैं ये करता हूँ तो मैं सोचा कि आपको एक बार बता देता हूँ। मतलब कि 999 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, बस एक कोई सब्सक्राइब कर देगा भाई तो 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे भाई। ओके भाई, हो गया मस्त भाई। हमको लगा नहीं था कि अभी रिफ्रेश करेंगे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा, पर हो गया। चलो एक फोटो भी तो बनता है भाई। तो थैंक यू 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाने के लिए, आप सभी का दिल से धन्यवाद। और अभी एग्जाम खत्म होने दो आप लोग गाइस, बस उसके बाद फिर बहुत अच्छा कंटेंट आएगा। मैं वादा करता हूँ अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए हो आपको बहुत वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा, एक बार बस बोर्ड के एग्जाम खत्म हो जाए। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं अपना पोयम जो फर्स्ट फ्लाइट का है, डस्ट ऑफ स्नो के साथ। ओके गाइस, तो जो स्टोरी वाला जो था, जो लगभग 10-15 मिनट का जो बचा था मेरा, वो भी हो चुका है कंप्लीट। अब मैं जा रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं एक नोट किया था एक चैनल, मेरे को चैनल का नाम तो एग्जैक्टली याद नहीं है, पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट किया था। कुछ ऐसा है कि आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर अपने आप भी इसको यूज कर सकते हो। ओके, एक ये हो गया मेरे पास और एक ये है। अब इसको ये वाला पैराग्राफ वाला जो है उसको काट लेना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आप चेक कर सकते हो, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आप यूज कर सकते हो। जलाती तुझे सुन ले कभी तेरी बूढ़ी सी माँ बुलाती तुझे। जितने भी PYQs थे वो सब मैंने कर लिए हैं, जो भी बेसिक मैथ्स के लिए है। वैसे मैं बता दूं मेरा बेसिक मैथ है, फिर भी बहुत टेंशन है क्योंकि मैथ मेरा कमजोर है थोड़ा, ठीक है। तो उसके लिए मैंने जितना भी प्रैक्टिस था, जो ट्रायंगल में कर रहा था, ट्रायंगल का PYQ, तो उसके लिए मैं कर लिया हूं। ओके, वैसे तो ईजी लगा अभी क्योंकि मैं इसको बहुत बार बना लिया था, तो ट्रायंगल थोड़ा ईजी लगा। और बाकी कल दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हर दिन 10-10 क्वेश्चन PYQ का, अभी मैं 2 दिन से बना रहा हूं, ठीक है। और ये रहा है कि मैं आपको चीज दिखाने वाला था कि ये एक फॉर्मूला सीट है, अगर आप बोलोगे तो मैं इसको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, या तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं ऐसा कुछ कुछ जो बनाता हूँ ये सब वो मैं डाल देता हूँ। एक तो ये है मेरे पास और एक और मैंने बनाया था, ये फिजिक्स के लिए है। ओके, तो ये दोनों ही मैं नीचे डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। क्यों है भागता क्या तू वक्त से बड़ा।
जिसका मैं 3 फ्री टेस्ट अटेंड किया अभी मेंटिंग पेज, और सभी में 4 out of 5 आया, पता नहीं क्या हो रहा है। एक्चुअली जो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो मेरे वीक है, लाइक द ट्रीज हो गया वो पोएम, और फिर एक जो दूसरे ग्रह से जो आदमी आ जाता है, एक्चुअली मेरे को चैप्टर का नाम नहीं आता सॉरी, बट थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दिया हूँ, वो वाला चैप्टर मेरे थोड़ा वीक है, तो उसमें ऊपर वाला मार्क्स मेरा कटा है, और ये 4 out of 5 में थोड़ा थोड़ा कटा है, और मेंटिंग पेज जो 4 था वो वाला मैं दे नहीं पाया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अभी स्टार्ट करने वाले हैं ग्रामर का 1 शॉट लेक्चर जो पढ़ ले चैनल पे है, उससे पहले ये से खाते हैं, उसके बाद इसको स्टार्ट करते हैं। इतना ही है काफी अभी, राह के किनारे पे पेड़ की छांव में बैठ जा मुसाफिर कभी। Yes, तो ऑलमोस्ट जो है मेरा पूरा इंग्लिश का सिलेबस जो है वो हो चुका है कंप्लीट। थोड़ा सा स्टोरी भी स्टोरी है, जैसे कि दैट ट्रीज द बुक दैट सेव द अर्थ, उसका स्टोरी के बारे में हमको थोड़ा सा पढ़ना है, और बाकी सारा चीज ऑलमोस्ट जो है वो मेरा कंप्लीट हो गया है। ग्रामर का सैम्पल पेपर से कुछ प्रैक्टिस और करना है, फिर ग्रामर भी एकदम चंगा हो जाएगा, और उसके बाद बस हो गया, अब पैसेज का प्रैक्टिस कर लिया, एनालिटिकल पैराग्राफ इजी है उसका भी कर ही लेंगे, और लेटर मैंने कर लिया है प्रैक्टिस, उसका भी और भी कर लूंगा आगे जाके 1-2 दिन में, क्योंकि अभी 4 दिन और बाकी है, जब ये वीडियो चला जाएगा आई थिंक 4 दिन बचेगा, तो 4 दिन और बाकी है, तो उसमें आराम से मेरा हो जाएगा प्रैक्टिस, सैंपल पेपर 3-4 और सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो लाइक जरूर से करिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं अपने ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और 1000 सब्सक्राइबर करवाने के लिए दिल से धन्यवाद। है जलाती तुझे।